सूर्यवंशी किस सुपर हिट मलयालम फिल्म का रीमेक है? रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में क्या अजय देवगन इस बार भी कैमियो रोल करेंगे? सूर्यवंशी की कहानी क्या है और इसे अभी से 500 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार मलयालम की सुपरहिट फिल्म एक्शन हीरो बीजू का रीमेक करने जा रहे हैं और अक्षय कुमार की झलक तो पहले ही सिम्बा में दिखाई जा चुकी है। आपको बता दें कि एक्शन हीरो बीजू एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। वैसे तो रोहित शेट्टी का कहना है कि हम पूरी तरह से एक्शन हीरो बीजू का रीमेक नहीं करेंगे। मेरा तो मानना है कि फिल्म में रोहित शेट्टी अपना ट्रेडमार्क मसाला डालेंगे। वहीं अक्षय कुमार काफी समय से कॉमेडी फिल्म करना चाहते थे। वैसे अक्षय कुमार को बॉलीवुड का रजनीकांत भी कहा जाता है। वो जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वो सुपर हिट हो जाती है, क्योंकि अक्षय कुमार अपने हर किरदार पर बहुत मेहनत करते हैं। वैसे अक्षय कुमार हर फ्लेवर में हिट है। वो एक परफेक्ट एक्शन हीरो है और इसके साथ साथ वो रोमांस के खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार A1 नंबर का रोमांस करते हैं। अक्षय कुमार को कॉमेडी का बाप भी कहा जाता है। प्रियदर्शन के साथ उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की झड़ी लगा दी है, तो वहीं अक्षय कुमार की सेक्सी इमेज भी है। उनका रवीना टंडन के साथ टिप टिप बरसा पानी में रोमांस तो कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद कई फिल्मों में उनकी ऐसी ही इमेज देखने को मिली। अक्षय कुमार ने निगेटिव इमेज के भी किरदार निभाए हैं। अजनबी फिल्म में अक्षय कुमार ने निगेटिव किरदार से सभी का दिल जीत लिया था। वैसे अक्षय कुमार ने हमेशा रियल इमेज से हटकर फिल्में की हैं और अक्षय कुमार सस्पेंस के भी बादशाह कहलाए। अगर गुप्त सूत्रों की बात करें तो रोहित शेट्टी अपने लकी चार्म यानी कि सिंघम से सूर्यवंशी में एक धमाकेदार कैमियो प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और रही बात फिल्म 500 करोड़ का कलेक्शन करेगी, तो भैया जिस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ हो तो वो फिल्म तो आराम से 500 करोड़ का कलेक्शन कर जाएगी। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है ये फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी। अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।